पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये कौन सा तरीका है नंदिनी आधी रात को पूरे परिवार को परेशान करने का? जिसका घर चल रहा हो ना वो सवेरे तक का इंतजार नहीं करते अपना घर बचाने के लिए। बेटू की बात करने का ये वक्त नहीं है, जो भी बात करनी है कल सुबह करेंगे। अपने मायके से यही सीख कर आई हो? भूल गई इस घर के तौर तरीके? तू कुछ नहीं भूली हूं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपकी परमिशन के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ बापूजी? झूठ बोलना, सच्चाई छुपाना इस घर के तौर तरीकों में कब से शामिल हो गया? क्या बकवास कर रही हो? क्या सच्चाई छुपाई है और क्या झूठ बोला इस घर में? बापूजी ने झूठ बोला है, मुझसे झूठ बोला है, आपसे झूठ बोला है, इन सबसे झूठ बोला गया है। बापूजी ने हम सबसे सच्चाई छुपाई है। बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है नंदिनी, साफ साफ बताओ क्या झूठ बोला है। साफ साफ जानना आपको? मैं बताती हूँ साफ साफ। बापूजी ने हम सबसे झूठ बोला कि उन्होंने मेरी शादी में मेरे मामा से दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली, जबकि सच तो ये है कि बापूजी ने ना सिर्फ दहेज मांगा बल्कि इन्होंने दहेज लिया। और इतना दहेज लिया कि इन्होंने मेरे मामा से उनका आत्मसम्मान तक छीन लिया। मोटा पप्पा ने दहेज लिया है नंदिनी के मामा से? मुझे तो लगा ये फोकट में आई है इस घर में। जलपा, इस घर के रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों जरूरत नहीं? बोलने दीजिए ना माँ उसे। दहेज तो लिया है इन्होंने, मेरे मामा से उनका सब कुछ छीन लिया, उनसे उनका खेत छीन लिया, जिस घर में वो रहते आज घर वो गिरवी पड़ा है। हाँ, कि उनकी नौकरी तक चली गई, और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने हमसे झूठ बोला। क्योंकि अगर सच बोला होता तो मैं ये शादी कभी करती ही नहीं। जिस रीत को निभाने के लिए झूठ बोलना पड़े, सच्चाई छुपानी पड़े, वो रीत नहीं कुरीत है। नंदिनी बेटा तुम सफर करके आई हो, थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं बापूजी से बात करती हूँ, जाओ। हाँ, मेरा परिवार बेघर हो गया है, ऐसे में मैं जाके कमरे में आराम करूँ तो बेटी होने पर लानत है। अपने कमरे में नहीं जाएगी तो क्या करेगी? यहाँ रहकर भूख हड़ताल करेगी? मैंने तेरे मामा से दहेज लिया, जा तो। मुझे मेरा दहेज वापस चाहिए। पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई मैं, मेरा पूरा परिवार पागल हो चुका है,
क्योंकि आपने उनकी हालत खराब कर दी है। और जो हालत आपने मेरे परिवार की खराब की है ना, तब वो हालत ठीक आप ही करेंगे। मेरे मामा की जमीन वापस कीजिए, जो 25 तोला सोना दिया है ना, वो भी वापस दीजिए। आप ही कहते थे ना, शादी दो परिवारों का मिलन होता है, तो वो परिवार भी अब आपका परिवार हुआ। और बापूजी, ये कहां का इंसाफ है? एक परिवार इतने बड़े आलीशान महल में रहे और दूसरा परिवार बेघर। तो क्या करूंगा, तुम्हारे मामा के नाम पर ये पूरी हवेली कर दूं? पर एक बात सुनो, वो सोना मैंने तुम्हारे मामा के हलक में हाथ डालकर नहीं लिया था, या फिर उनका हाथ तोड़ के उनका अंगूठा नहीं लगवाया था जमीन के पेपर पर, उन्होंने सामने से मुझे रिवाज के नाम पे दिया था। और अगर इतने ही कंगाल थे तुम्हारे मामा, तो सपने क्यों देखे इतने बड़े घर के? और तुम जो इतना सीना तान कर अपने ससुर से बात कर रही हो, तो शादी के वक्त तुम्हारे मामा से पूछा नहीं कि इतना तामझाम करने का पैसा कहां से आया? पूछा था मैं, उन्होंने उस वक्त मुझे बताया नहीं, क्योंकि आपने प्रेशर डाल के रखा था उनके ऊपर। तो क्यों, गुंगा बोल पड़ा अभी, तोड़ दिया मुहूर्त? और तुम जो सोना मांग रही हो ना, इस सवाल ही पैदा नहीं होता। और बात रही उस जमीन की, तो वो जमीन तुम्हारे मामा ने राजी खुशी मुझे दी थी गिफ्ट में, उसके पेपर्स आज भी मेरे पास है, नहीं दूंगा मैं। और एक बात, लेटा जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज से यही तुम्हारा घर है, जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो। नरेन, बोल दे अपनी बीवी से मुझे उससे कोई बात नहीं करनी अभी। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी बापूजी। बात तो अब आपको करनी पड़ेगी। आप जानते हैं बाबूजी, मुझे लगा था कि मेरे बाबूजी ने अपने बेटे के लिए खुद को बदला है। मामा से दहेज ना लेकर समाज में एक नई मिसाल कायम की। और तुम्हारी बीवी ने मुझसे दहेज वापस मांगकर इस घर में नई मिसाल कायम की है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं बाबूजी। बापूजी, मैं आपके हाथ छोड़ता हूं, मामा जी को उनकी जमीन वापस कर दीजिए। अपने बाप को मत सिखाओ उसे क्या करना है, वो जमीन मैंने अर्जुन खिमजी को बेच दी है। और उसकी जगह पे वो जो जमीन मुझे देने वाला है, वहां पे मैं अपना सपना पूरा करने वाला हूँ, डायमंड फैक्ट्री का सपना। बापूजी, दूसरे के सपने को तोड़कर अपना सपना नहीं सजाते। माना मैंने, ये आपके लिए शान की बात है, लेकिन बाबूजी वो जमीन मामा जी की जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी है। अपने ससुराल से इतना ही प्यार है, तो अपने अकाउंट से पैसे क्यों नहीं दे देता? मैंने कहा था नंदिनी को बाबूजी, मैंने कहा था नंदिनी को कि इससे 20 गुना बड़ी जमीन मैं तुम्हें खरीद के लेके देता हूँ। 25 तोला सोना क्या, मैं तुम्हें 100 तोला सोना लेके देता हूँ, लेकिन बाबूजी यहाँ कोई मामूली सी जमीन और 25 तोला सोने की बात नहीं है। वो जमीन नंदिनी के माँ की आखिरी निशानी है। नंदिनी की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बाबूजी, वो जमीन नंदिनी का हक है जो उसे चाहिए। जमीन उसी की होती है जिसकी ओनरशिप होती है, पहले ओनरशिप मेरी थी, अब
अर्जुन खिमजी की है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।